हमारे अभी तक ये पेश है। हर शीशा टूट जाता है पत्थर की चोट से, हर शीशा टूट जाता है पत्थर की चोट से, पत्थर ही टूट जाए वो शीशा तलाश कर। इकबाल तेरी कौम का इकबाल खो गया, इकबाल तेरी कौम का इकबाल खो गया, माजी तो सुनहरा है मगर हाल खो गया। जनाब सदर, मोहतरम असातिज़ा इकराम और मेरे हम मकतब साथियों, अस्सलामुअलैकुम। आज मौजू सुखन वो ज़ात, वो शख्सियत, वो नाम जो किसी तारुफ का मोहताज नहीं। 9 नवंबर का वो दिन जिस दिन पाकिस्तानी तारीख का एक नायाब मदीना, उफ़े की शायरी का एक चमकता हुआ सितारा, 9 नवंबर 1870 को सियालकोट की सरजमीन पर शेर नूर मोहम्मद के घर में तुलू हुआ। जी तो मैं बात कर रही हूँ हकीमुल उम्मत शायर मशरिक डॉक्टर इलामा मोहम्मद इकबाल की। खोल आप जमीन दे फलक दे फिजा दे, खोल आप जमीन दे फलक दे फिजा दे, मशरक से उभरते हुए सूरज को डरा दे। दरहकीकत इकबाल वो सूरज है जिसने हमें इश्क हकीकी से सरशार किया, नौजवानाने इस्लाम को उस वक्त बेदार किया जब वो गफलत के अंधेरों में डूबे हुए थे और अपने इस्लाम के दीन को भूलते जा रहे थे। उकाबे रूह जब बेदार होती है जवानों में, उकाबे रूह जब बेदार होती है जवानों में, नजर आती है उन्हें अपनी मंजिल आसमानों पे। असल में हमारी आज की नस्ल को हकीकत मालूम नहीं कि इकबाल कौन है। इकबाल वो है जिसने हमें इस्लामी मुमलिकत का नजरिया दिया, इकबाल वो है जिसने मुस्लिम अकलियत जो कि कसम कुर्सी के हालत में थी उन्हें एक ख्वाब दिया कि तुम अक्सरियत बन सकते हो। उनकी दी हुई खुद एतमादी की बदौलत ही मुसलमानों ने ये ऐलान किया, लेकर रहेंगे पाकिस्तान बनकर रहेगा पाकिस्तान, लेकर रहेंगे पाकिस्तान बनकर रहेगा पाकिस्तान, सीने पे गोली खाएंगे पाकिस्तान बनाएंगे। अफराद के हाथों में है अकवाम की तकदीर, अफराद के हाथों में है अकवाम की तकदीर, हर फर्द है मिल्लत के मुकद्दर का सितारा। पाकिस्तान सिर्फ जुग्राफियाई हदूद का नाम ही नहीं बल्कि ये इकबाल का वो पाकिस्तान है जिसका ख्वाब उन्होंने देखा कि एक ऐसा मुल्क हो जहां मुसलमान अपने इस्लाम के मेराज को जिंदा रखते हुए अपना तशख्स और खुदी को बुलंद करते हुए अल्लाह और उसके रसूल की तालीमात के मुताबिक ज़िंदगी गुजारें। सदर जीवकार शायर मशरिक हकीमुल उम्मत इलामा मोहम्मद इकबाल वो मर्द कलंदर हैं जिन्होंने हमें ज़िंदगी का शऊर दिया। उस हकीकत से इनकार मुमकिन नहीं कि अगर मुसलमानों को इकबाल की क़यादत मुयस्सर ना होती तो मुसलमानों में अलग वतन की सोच भी पैदा ना होती। डूबना तेरा मुकद्दर नहीं मगरिब में ना जा, डूबना तेरा मुकद्दर नहीं मगरिब में ना जा, बल्कि सूरज तुझे मशरिक से उभरना होगा। सदरजी वकार इकबाल की शख्सियत के हर पहलू को बयान करना मुमकिन नहीं, ज़रूरत इस अमल की है कि हम अपने प्यारे और अजीम शायर के पैगाम को समझें। अपनी तकरीर का इख्तिताम इस शेर से करना चाहूँगी, हुस्ने किरदार से नूरे मुजस्सिम हो जा, हुस्ने किरदार से नूरे मुजस्सिम हो जा, कि इबलीस भी तुझे देखे तो मुसलमान हो जाए। शुक्रिया।